नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता भदौरिया ब्लॉग्स में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बैठी हूँ और ये मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं, यानी कि मेरे पति देव बैठे हैं। और हम सभी लोग आज फिर से घर से निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। हम कहाँ जा रहे हैं तो दोस्तों, आप ब्लॉग में बने रहना, मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे भी दो लोग बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं और एक संदीप साहब मेरे बैठे हुए हैं। तो हम सभी लोग गाड़ी से जा रहे हैं अपनी ननद के यहाँ, उनके यहाँ कार्यक्रम है, यानी कि 13वीं है। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, उनकी सास ख़त्म हो गई थी ना, एक्सपायर हो गई थी, तो उन्हीं की त्रयोदशी है, बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं वो, 13वीं बोलते हैं। तो 13वीं में हम सभी लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये संदीप साहब बैठे हैं, मेरी ननद के ये संदीप साहब हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैं वीडियो बना रही हूँ तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये हैं संदी साहब, ये मेरे ननद के संदी साहब हैं, जिनके घर हम जा रहे हैं ना, तो उन्हीं के बेटी के ससुर साहब हैं। और ये मेरे साथ ही जा रहे हैं गाड़ी से, क्योंकि बाहर अकेले बाइक वगैरह से जाते तो उनको बहुत तेज़ धूप लगती है, तो इसलिए बोले कि गाड़ी से मैं भी चलूँगा, तो वो मेरे साथ जा रही हैं। तो ये देखिए, मैं बैठी हूँ और ये मेरे मुझे कमेंट करके बताना, और आपको सब लोगों का भी, मेरे हस्बैंड आपसे हाय बोल रही है, आपसे ये बताएंगे क्या क्या है, आप लोगों से कुछ बात कर ले। बस ये कैमरा देखते हैं दोस्तों, अब हम जा रहे हैं त्रयोदशी संस्कार में रामपुरा, जो कि हमारी जो बहन है, वो छोटी बहन, उनकी जो सासू जी खत्म हो गई है, उनकी जो आज त्रयोदशी संस्कार है, आज उनका त्रयोदशी संस्कार है, उसी में हम जो है शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हम हैं, हमारी पत्नी है और भी दो लोग हैं, तो सभी लोग जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। तो ये रास्ते का नज़ारा आप देख लीजिएगा, रोड बहुत व्यस्त है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रोड में काफ़ी जाम लगा हुआ है, क्योंकि कोई नेताजी वगैरह आए थे तो उन्हीं की सिक्योरिटी, देखिए सब काफ़ी पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, काफ़ी भीड़ थी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी थी, इसीलिए थोड़ा सा रोड में जाम हो गया था। तो आप लोग भी देखिए कितनी भीड़ है, ये देखिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करना, ताकि मैं रोज़ जो वीडियो अपलोड करूँगी आप उसको देख पाएंगे, ठीक है, मेरी नई नई वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी पुलिस वाले थे यहाँ पे, बहुत भीड़ लगी हुई थी और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी थी, कम से कम नहीं तो 20-30 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी। अब आप देखिए ये नज़ारा रोड का, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कितना हरा भरा है, देखिए दोनों तो और मैं जब अपने और खेती जो उनकी लहर तो सजा तो भाई कोई रोटी का तो जिंदगी भर है ही नहीं, मैंने की भाई है और एक लड़का ने बहू ने मारू एक था उन्हें, मैंने की बहन तो रिटायर में अच्छी पेंशन मिल रही, मैंने की हम सारे रहेंगे तो इतने रह रहे हैं, हम पे खड़े रहे हैं, सीधी बात है, खेती यही से ऊपर में खत्म भाई 100 साल के अवस्था में, और देखो अभी आए गए थे 70 साल 30 साल रहे और उम्र में लड़का बहू मार डालते 10 साल में तो बताओ 100 साल में पूरे खत्म भाई 100 आराम से जो जो सजा रहा तो 20 बीघा जमीन थी पक्के सजा रही रोटी आराम से रोटी में थी तो उठा मंदिर तो मंदिर क्या करते थे माल के लिए जा नहीं कह रहे घर बचाओ लेकिन एक लिमिट को मैं फिर इटावा नहीं गई जा रहे आज कभी नहीं गई खूब लड़का बहू है मैंने कतई नहीं किए हम है ही हमाओ कहना मैं यही हमाओ अब तुम्हारे ना तुम्हारे हाथ रोटी है ना तुम ले रहे हैं ना तुम्हें दी है चारा ले आ रहे हैं
घर की ओर। तो मैंने आपको पूरा दिखाया है, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। तो ये देखिए, ये खड़े हमारे नंद के साथ सफल साहब और ये हमारे बड़े नंदोई साहब। चलो अब दोनों समझी समझी बात बनाई आपकी कौन सी गाड़ी है? बाबा है हमने बातें कही कैसे कही नाई से नाई चूतिया जो आपको उम्र को ले नहीं सब खत्म करवा तो बने दाढ़ी बन जाके ना भाई मुझ दाढ़ी पर ना नहीं तो पता पहले अब तो बन गई अपन ना भाई ये थे हमारी जनन के लड़की के साथ वो जो थे जो तो हमने बातें कही थी वो हमारी जनन के साथ हम मेरी मुंह हम तो बातें कर रहे थे दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी ननद के यहाँ, और अब पहुँचने के बाद इनका दरवाज़ा है, ये देख सकते हैं, ये इनके सारे परिवार के लोग रहते हैं यहाँ पर। ये देखिए आप मकान देखिएगा कितने बड़े बड़े फैले फैले मकान हैं, और शहरों में तो फ्लैट टाइप का चलता है और गांव वगैरह में कितना खुला पर होता है और बहुत अच्छा लगता है। बैठे हुए हैं, वीडियो बना रहे हमने सबकी। हाँ भाई तो अब यार ठीक है अंदर आ। तो ये आ गया मेरी ननद का गेट दरवाज़ा, यानी कि मकान का दरवाज़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग मकान के अंदर आ चुके हैं, यानी कि प्रवेश कर चुके हैं। अब चलिए चलते हैं अंदर। एक इनका ये बरामदा टाइप का है, यहीं पर बाथरूम भी है साइड में, और ये बाहर बैठक है, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा मकान नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। अब ये आ गई उनकी गैलरी मकान की, ये देखिए, और ये पिंक सूट में मेरी ननद बैठी हुई हैं। आज 13वीं है इनके साथ। चलिए मैं पीछे देखो पीछे जाती हूँ।
बैठ रहा बैठ रहा हाँ गए हम क्या बताया था तुमका गोदी उठाए पाते क्या करे सब क्यों गए मंजो मैं आया बोल दे बाय बोल दे आया बाय कचो बोल माता है सही बोलो बुआ कचो तेज बोल तेज बोलो तेज बोलो I love you. देखिए दोस्तों ये बिगड़े हुए ये देखिए कभी देखा है ऐसा ऐसा प्रेम देखा जो ही लगाए हम फोटो बोला निकाल दियो जाए का फोटो लगाई हम ना कोई का कहे जे कहे जे असल छनरु एड करिया जात कहे जे तमान के पेट परी ता का करे फिर जे कहे सास और दामाद का प्यार देखिए कितना प्यार है अब लगे तो जय वीडियो अब जय हम फोटो लगाई है आज भी जसदा देख ये देखिए सब लोग बैठे सबके सामने ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं देखिए आप लोग देखिए सब लोग बैठे हैं और इन दोनों लोगों की बदतमीजी चल रही है पांच हुए थे आए तो बैठो पर दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये हमारी ननद की ननद है सबसे छोटी वाली नहीं और ये भी जो नंद ये शायद ये भी ननद है ये ताऊ सबसे बड़ी ननद हम दोस्तों नहीं पहचानते क्या कर रहे तुम अब तो भाभी पागल हो गई सीधी बात तो अब यहाँ पे हो रही है तेरहवीं की पूजा अभी यहाँ पर तेरहवीं की पूजा होगी और उसके बाद में यहाँ पर बरसी की पूजा होगी तेरहवीं और बरसी एक साथ में पूजा यहाँ पर हो जाएगी तो हम लोग क्योंकि पहुँच गए थे करीबन एक दो बजे तक हम पहुँच गए थे इनके घर तो यहाँ पे पंडित जी पूरा चौक पूर रहे हैं और सारा सामान मतलब दे रहे हैं और घर में ये देखिए ननद है हमारी और ये ससुर साहब बैठे हैं उनके ननद के और ये सामने पंडित जी हैं और ये सारे जो रिश्तेदार मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाए थे ये ननद हैं सब हमारी ननद की ननद मेरी ननद की छः नंदे हैं ठीक है ना छः ननद और छः नंदोई बड़ी फैमिली है तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से पंडित जी चौक पूर रहे हैं और दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना तो मैंने अभी इसमें बहुत ज़्यादा नई वीडियो को काटा है ताकि आप एक नेचुरल एंजॉय करिए और गांव की भी बातें सुनिए किस तरीके से सब लोग बात करते हैं आपस में तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और ये मैंने जहाँ पर हलवाई खाना बना रहे थे
तो वहाँ का मैंने वीडियो आप लोगों के लिए कैप्चर कराया है। देखिए मेरे भाई लोग खाना बना रहे हैं, यहाँ पर कुकर में खाना बन रहा है, ये सारे सभी लोग लगे पड़े हैं खाना बनाने में, और शाम को करीबन 4 बजे से खाना स्टार्ट हो जाएगा। पूरे गांव का निमंत्रण है ना, तो यहाँ पे पूजन पाठ करीबन विधि हो रही है और ख़त्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। और इसके बाद में क्या होगा, जब पूजन विधि हो जाएगी उसके बाद में पंडित जी वगैरह खाना खाएंगे, करीबन 13 पंडित खाना खाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े वगैरह का काम है, तो इसलिए मेरी ननद फाड़ रही है कैंची से। दोस्तों आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए सभी लोग बैठे हैं, ये बूढ़ी अम्मा बहुत मज़ेदार हैं। ये जो दामाद जी थे ना, उनकी ये बुआ जी हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये लोग आपस में मजाक कर रहे थे। एक तरफ से ये बुआ जी लगती हैं, बुआ सास यानी कि, और एक तरफ से भाई बहन लगते हैं, ये माँ बेटा लगते हैं, भाई बहन नहीं माँ बेटा लगते हैं। तो उस हिसाब से ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे और नॉर्मल रह रहे थे, गलत मत लेना आप सभी लोग। तो ये देखिए ये हमारी ननद की छोटी बेटी, सबसे छोटी बेटी खड़ी है, और इसका भी एडमिशन हो गया है, ये भी पढ़ती है आगरा में। इसमें एडमिशन हो गया है ये मैं थोड़ा भूल चुकी हूँ। तो यहाँ पे सब पूरा काम चल रहा है, पूजा पाठ भी, पंडित जी लोग वगैरह सब लोग खाना खा रहे हैं। अब इनको दान दक्षिणा भी दे दिया जाएगा और उसके बाद हम सब लेडीजें खाएंगे। तो पंडित जी वगैरह दान दक्षिणा लेकर के चले गए, अब सारी लेडीजें मिलकर के खाना खा रही हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम खाना खा पी करके अब निकल जाएंगे अपने घर के लिए, क्योंकि अब शाम हो रही है और सभी लोग मिलकर के खाना खा रहे हैं, सब रिश्तेदार चले जाएंगे। जो 13वीं होती है इसमें रुका नहीं जाता है, सबको शाम को निकलना होता है। दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स है, मैं कमेंट करके कि आपको क्या चाहिए, ब्लॉग क्या देखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ननद, जो हमारी ननद की ननद है ना, वो सभी लोग खाना परोस के खिला रही हैं। और दोस्तों खाना बहुत ही अच्छा बना था, मट्ठे के आलू, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं मट्ठे के आलू, और एक सूखी सब्जी है, और ये पूड़ी है, और आप देखना ये देखिए मट्ठे का आलू है, और ये रसगुल्ला है, और ये कचौरी है। खाना बहुत टेस्टी था, और हम लोगों के साइड में मट्ठे का आलू बहुत पसंद किए जाते हैं, और तेरी वगैरह में ऐसा ही हम लोग यहाँ गांव देहातों में चलता है। तो दोस्तों आइए आप सब भी खा लीजिए। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, और खा करके अब मैं अपने घर के लिए जाऊँगी। तो ये देखिए मैं खा रही हूँ दोस्तों, और आप सभी लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हम लोगों ने खा पी लिया था, और यहाँ का वीडियो मैं नहीं बना पाई आते टाइम, क्योंकि मिलना मिलाना था, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। तो अब मैं हम लोग घर से, यानी कि ननद के घर से हम लोगों ने विदा ले ली है, और विदा ले करके हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, अगले ब्लॉग के साथ। अब तक पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों शेयर कर देना।